हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कपकेक। अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल ना हो तो बाज़ार में मिलने वाले इन कप का इस्तेमाल करके आप इनको घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इन सॉफ्ट और स्पॉन्जी वेनिला कपकेक को हम ओवन के बगैर बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक जार में ऐड करेंगे एक अंडा। तो देखिए, हमने यहाँ पर अंडा रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ लिया है। अगर आपने इसे फ्रीज में रखा है तो एक घंटे पहले इसे फ्रीज में से निकालने के बाद ऐड करें। और ऐड कर देंगे 1/4 कप तेल, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। तो इन सारी चीज़ों को हम लगातार 2 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जितने अच्छे से हम इनको ब्लेंड करेंगे उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में 1/2 कप मैदा ऐड कर देंगे। तो मैदे को हमने छान कर लिया है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी कटोरी को सेट करके उस हिसाब से मेज़र कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इस केक को बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया है, तो आप अंडे को रिप्लेस करके उसकी जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून दूध ऐड किया है और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम केक को बेक करने की तैयारी कर लेंगे। क्योंकि हम केक को बिना ओवन के बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक पतीली ली है। इसे हम प्रीहीट करेंगे। तो इसके सेंटर में एक स्टैंड रखकर इस पर एक थाली रख देंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। और अब हमने जो ये बैटर बना के रखा है उसे हम इस तरह के टी कप्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बैटर को टी कप्स में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमने इसका ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखा है, यानी कि कप्स को हम पूरी तरह नहीं भरेंगे। और अब हम इसे इस तरह से टेप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाएं। और गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हमने जिन कप्स में बैटर ट्रांसफ़र करके रखा है उसे हम केयरफुली इसमें रख देंगे, क्योंकि पतीली ऑलरेडी गर्म है। तो केक को बेक करते वक्त हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इनको लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लिया है। इसे खोल लेंगे और इसके सेंटर में किसी शार्प नाइफ को डालकर देखेंगे कि ये अच्छे से बेक हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कपकेक को इसमें से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। इतने बढ़िया वेनिला कपकेक बनकर तैयार हुए हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद आप इसको आसानी से इस तरह कप में से निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।